नमस्कार दोस्तों, और एक हिंदी वीडियो में स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉटगन सीक्वेंसिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पीसीआर के बारे में डिस्कस किए, है ना, एंड उसके बाद जब सीक्वेंस का सीरीज स्टार्ट हुआ डीएनए सीक्वेंसिंग का, उसमें हम बात किए कि सैंगर सीक्वेंसिंग कैसे होता है। हमने देखा कि सैंगर सीक्वेंसिंग एक यूनिक सिंगल यूनिक सीक्वेंसिंग, मतलब सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड यूज़ करके, और उसको डाइडियोक्सी मेथड भी कहा जाता है, उसको यूज़ करके आप किसी भी छोटे फ्रैगमेंट डीएनए का सीक्वेंस आसानी से कर सकते हैं, और इसका सेंसिटिविटी 99% है, बहुत अच्छा है। मगर जो डिफिकल्टी है सैंगर सीक्वेंसिंग की, बहुत बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है सैंगर सीक्वेंसिंग की, वो है कि लार्ज डीएनए के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर डीएनए है उसको सैंगर सीक्वेंसिंग रीड नहीं कर पाएगा उतना देर तक, क्योंकि सैंगर सीक्वेंसिंग जो है वो पॉलीमराइजेशन मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए जब ह्यूमन जीनोम या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंसिंग चाहिए होता है, तब हम शॉटगन मेथड के ऊपर डिपेंड करते हैं। शॉटगन मेथड सीक्वेंसिंग में क्या होता है? शॉटगन मेथड कोई यूनिक मोड ऑफ सीक्वेंसिंग है नहीं, पहले मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। ये कोई यूनिक सीक्वेंसिंग है नहीं, मतलब सिर्फ शॉटगन एक ऐसा मेथड नहीं है जिससे आपको सीक्वेंस मालूम पड़ेगा। शॉटगन मेथड रिलाई करता है सैंगर सीक्वेंसिंग में, शॉटगन रिलाई करता है एनजीएस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में और पायरो सीक्वेंसिंग में। मगर शॉटगन एक प्रोसेस है जिससे हम बहुत बड़ा अगर डीएनए सीक्वेंसिंग है, बहुत लंबा डीएनए सीक्वेंस है, उसको हम ब्रेक करके छोटे फ्रैगमेंट बनाएं, उसके बाद सीक्वेंसिंग मेथड जो है वो सैंगर या फिर एनजीएस यूज होगा, मगर उसके बाद जो डेटा मिलेगा फ्रैगमेंट सीक्वेंस का, उसको हम कंपाइल करके फिर से पूरे जो डीएनए का स्ट्रेंथ है, पूरा लेंथ ऑफ डीएनए, उसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं। यही शॉटगन सीक्वेंस का फायदा है और कुछ है नहीं। तो अभी कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे? पहले बात तो यहाँ पर व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग, ये हमने पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में भी, डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है थोड़ा बहुत मैं बोल दूंगा। शॉटगन सीक्वेंसिंग का बेसिक्स क्या है, मैंने पहले ही बताया कि शॉटगन सीक्वेंसिंग कोई यूनिक सीक्वेंसिंग है नहीं, है ना, ये डिपेंड करता है आइदर एनजीएस और सैंगर सीक्वेंसिंग में डेटा जानने के लिए, उसके बाद कंपाइलेशन करता है बस। मैकेनिज्म ऑफ शॉटगन सीक्वेंसिंग हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉटगन सीक्वेंसिंग। तो पहले बात है कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है। डीएनए सीक्वेंसिंग, ये जो टर्म है सीक्वेंसिंग का, मतलब होता है डीएनए का, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है वो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन एक के बाद एक हमें जानना पड़ता है, उसे हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। मतलब के ना कि हम जाने के पहले ए है, जी है, सी ए टी है, मतलब कि कितना ए जी सी टी डीएनए के अंदर है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कौन सी पोजीशन में मौजूद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मानो आपको अगर कोई सीक्वेंसिंग को बताना है, आपको कोई भी डीएनए का सीक्वेंसिंग बताना है किसी को, आप ऐसे बोलोगे कि 5' ए जी जी टी सी ए टी 3', ये एक टोटल सीक्वेंसिंग होता है। इसके मतलब है जिसको भी आप ये बताओ उस बंदे को पता चल जाएगा कि ये 5' जो फॉस्फेट है उस तरफ एडिनिन एट द बिगिनिंग है ए, देन उसके बाद जी जी टी सी ए टी, देन 3' हाइड्रोक्सिल होके डीएनए खत्म हो गया। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है इसे ही डीएनए सीक्वेंसिंग कहा जाता है। तो सीक्वेंसिंग एक प्रोसेस है जहां पर जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है, मतलब कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है और कैसे वो न्यूक्लियोटाइड पोजीशन किया हुआ है, ये हम देख पाते हैं। तो इसके लिए देखो, अगर इस डीएनए में आप देखो, इस डीएनए के अंदर टोटल जीनोम सीक्वेंस, इसमें ए जी ए एक तरीके का है, मगर याद रखिएगा यहाँ पर 5' और 3' मार्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि कोई सीक्वेंस दिया गया 5', 3' के बिना, तो वो सीक्वेंस तो गलत है भाई। 5', 3' के बिना एक सीक्वेंस का कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हम जानते हैं कितने इंपॉर्टेंट है 5', 3', क्योंकि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंटरी होता है, तो एक 5' है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंटरी में 3' होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात यह है कि डीएनए का फ्रैगमेंट हमें मिल सकता है, और फ्रैगमेंट मिलने के बाद बहुत सारे टेक्निक्स के लिए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को अगर जानना है कौन सी जीन्स प्रोटीन कोड करता है ये जानना है, तो उसका डीएनए का सीक्वेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस आता है जहाँ पर हमें डीएनए का सीक्वेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब डीएनए का सीक्वेंस हम जानना चाहते हैं तो बहुत सारे अप्रोच है, जैसे मैंने कहा मैक्सिम गिल्बर्ट सीक्वेंसिंग है, सैंगर सीक्वेंसिंग जिसे हम डाइडियोक्सी सीक्वेंसिंग भी कहते हैं वो हम देखेंगे अभी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी है।
तो ये सारे के सारे जो सिक्वेंसिंग है यूनिक सिक्वेंसिंग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हमें पता चलता है कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड किसके बाद आता है ना। तो यहाँ पर अगर छोटा छोटा डीएनए फ्रेगमेंट हो तो मैक्सम गिलबर्ट से हम वो कर सकते हैं, डाइडियोक्सी और सेंगर सिक्वेंसिंग से भी हम कर सकते हैं। मगर अगर बहुत लंबा डीएनए है, मतलब कि एक पूरा जीनोम, मानो ह्यूमन का एक पूरा जीनोम, तो सेंगर सिक्वेंसिंग अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, और कुछ टेक्निक हम यूज़ करना होगा। क्योंकि ये जो टेक्निक है मैक्सम गिलबर्ट सेंगर, ये छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट के लिए ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, सेंगर सिक्वेंसिंग का जो मोटो है, मैं पहले समझा देता हूँ, इसका जो प्रोसेस है एक सेम है। सिक्वेंसिंग के लिए हमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ता है, सेंगर सिक्वेंस के लिए भी। मतलब वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो भी सिक्वेंस है, नया स्ट्रैंड में जब हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करके चेक करेंगे तो वो सिक्वेंस का कॉम्प्लीमेंटरी सिक्वेंस रहेगा। तो अगर हम एक डीएनए का सिक्वेंस निकालना चाहते हैं तो टेम्पलेट को यूज़ करना ही है यहाँ पर। सो टेम्पलेट डीएनए, और उसके हिसाब से यहाँ पर 3' एक हाइड्रोक्सिल भी है जिसको पॉलीमरेज जो है एक्सटेंड कर सकता है ना। तो अभी जब हम रिएक्शन को रन करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल मैकेनिज्म यूज़ करके सेंगर सिक्वेंसिंग किया जाता है। वो बात यह है कि हमें जो DNTPs है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ओके, ट्राइफॉस्फेट्स एक्चुअली यार, तो वो DNTPs जो है चारों तरीके का होता है, AGCNT है ना डीएनए के लिए। अभी AGCNT के अलावा इस प्रोसेस के लिए हम एडिशनल एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं। एक्चुअली सेंगर ये डिस्कवर किया एक ऐसे न्यूक्लियोटाइड जिसे हमें कहते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, जनरली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए में जो शुगर है, न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का जो शुगर है, वो डाई डीऑक्सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें अगर आप देखो तो 2' जो पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सिल की जगह सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए डीऑक्सी कहा जाता है इसको। तो ये 2' का जो शुगर, जो ऑक्सीजन है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है उतना चेन रिएक्शन में। मगर 3' का अगर आप देखो, 3' का देखो तो इंपॉर्टेंट है, 5' का देखो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई ऑक्सीजन को हम फिर से डिलीट कर दे, मतलब आप अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता चलेगा कि डीएनए में एक शुगर और एक शुगर के साथ इंटरैक्ट कर चुका है। कैसे इंटरैक्ट करता है? 3' और 5' के बीच में इंटरैक्शन होता है ना, एक का 3' और एक का 5', ऐसे इंटरैक्शन होता है। और ये 3 और 5 के बीच जो इंटरैक्शन है, यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब कि डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन है, बैकबोन जो है वो फॉर्म होता है। और ये यहां पर अगर ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रोक्सिल अगर ना हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। और यही प्रिंसिपल है डाइडियोक्सी सिक्वेंसिंग का। डाइडियोक्सी जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें दोनों 2', 3', यहां पर दोनों जगह पर ही ऑक्सीजन डिलीटेड है। That's why डाई डीऑक्सी, डाई मतलब दो, डीऑक्सी दो जगह पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसके लिए क्या होता है, जो डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर हम वो न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दें तो उसके बाद डीएनए का कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी आप देखेंगे शॉटगन सीक्वेंसिंग का बेसिक क्या है। शॉटगन सीक्वेंसिंग मानो कि एक बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम, इतना बड़ा जीनोम है, इसको सेंगर सीक्वेंसिंग में, अगर सीक्वेंसिंग में हम डाले काम ही नहीं बनेगा, क्योंकि उतने दूर तक पॉलीमराइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो पहले बात यह कि इतना लेंथ को हमें छोटा करना है, इसलिए पहला जो स्टेप है ना शॉटगन सीक्वेंसिंग का, वो है फ्रेगमेंटेशन। इसीलिए नाम आया शॉटगन। यू नो शॉटगन एक गन है जिससे बहुत हम किसी को तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, मार गिरा सकते हैं, ऐसे एक शॉटगन। शॉटगन के मतलब फ्रैगमेंट कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो चीज़ को। तो वही होता है यहाँ पर, फ्रैगमेंटेशन हो गया, डीएनए का टुकड़े टुकड़ा स्ट्रक्चर मिल गया, यहाँ पर कलर कोड में दिखाया गया ताकि आपको समझ आए। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आता है वो है सिक्वेंसिंग का। अभी ये जो ये एक्चुअल सिक्वेंस का स्टेप है, ये स्टेप, इसमें आइदर हम सेंगर सिक्वेंसिंग यूज़ करते हैं या फिर NGS नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, जिसे पायरो सिक्वेंसिंग एक एग्जांपल है, वो भी यूज कर सकते हैं।
इल्यूमिना सिक्वेंसिंग यूज कर सकते हैं, 454 आयन टोरेंट सिक्वेंसिंग यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सिक्वेंसिंग मेथड है जो यूनिक सिक्वेंसिंग, मतलब सिक्वेंस एक्चुअली ये बताता है, मगर शॉटगन कोई यूनिक सिक्वेंसिंग है नहीं, शॉटगन एक मेथड है उस सिक्वेंस को जानने के लिए। तो सिक्वेंस जब हम कर लेंगे, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो गए, इसका आप सिक्वेंस कर लेते हैं। चलिए मान लिए, क्योंकि हमने पहले सैंगर सिक्वेंसिंग देखा, हम जानते हैं कैसे होता है डाइडियोक्सी मेथड, हम सैंगर सिक्वेंसिंग में ये सारे जो स्मॉल फ्रेगमेंट है इसके सिक्वेंस निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, थर्ड स्टेप जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट स्टेप और असेंबली, असेंबली स्टेप। असेंबली स्टेप में क्या होगा कि ये जो डिफरेंट फ्रैगमेंट हमने प्रिपेयर किए, जो फ्रैगमेंट हमने तैयार किए, फ्रैगमेंट में जो एंड है ना उसमें हम इसको टैली करके देखते हैं। टैली करके देखते हैं मतलब इस सीक्वेंस को हम मिलाकर देखते हैं कि सीक्वेंस में सिमिलैरिटी कहां पर मिलता है, मतलब जो फ्रैगमेंट मिला उसमें हम सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, जहां पर सिमिलैरिटी मिलते हैं उस हिसाब से हम इस फ्रैगमेंट को एक के बाद एक अरेंज करते हैं, एक के बाद एक अरेंज करते हैं। तो जहां जहां पर हमें ओवरलैपिंग रीजन मिल जाते हैं, इसका मतलब है ये फ्रैगमेंट वहां से मिला। तो अभी हम जब पढ़ते हैं सीक्वेंस, पूरा के पूरा हम सीक्वेंस पढ़ते हैं तो हमें पूरा डीएनए का सीक्वेंस मिल जाता है। यही एकदम बेसिक में अगर समझाया जाए तो यही प्रोसेस है शॉटगन सीक्वेंसिंग। अभी एक क्वेश्चन है, शॉटगन जो मेथड है जहां पर हम एक लार्ज डीएनए को फ्रैगमेंट कर रहे हैं, वो प्रोसेस रैंडम है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज नहीं होता है, मतलब कोई टारगेट देखकर हम तोड़ते नहीं है डीएनए को, रैंडमली तोड़ देते हैं, मैकेनिकल शेयरिंग है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक डीएनए डिफरेंट माने दो एक ही जगह से 3, 4, 5, 10 तरीके में टूट सकता है, तो बहुत सारे फ्रैगमेंट निकलेगा। और इनफैक्ट अच्छा है जितना फ्रैगमेंट निकले, जितने बार हम ये प्रोसेस को रन करें उतना ही बेहतर होता है हमें डेटा मिलने में, है ना। तो ये जेनोमिक डीएनए हमने फ्रैगमेंट कर दिए शॉटगन, यही होता है फर्स्ट स्टेप, शॉटगन स्टेप। अभी उसके बाद छोटे छोटे फ्रैगमेंट को हम क्या करते हैं, क्लोन करते हैं वेक्टर के अंदर, डीएनए लाइब्रेरी बनाते हैं, ताकि हम इस प्रोसेस को मानो के बहुत दिन से रन करेंगे, क्योंकि एक इतना बड़ा जीनोम है उसको रन करने में टाइम लगता है। मानो एक बार आप पूरा कर लिए उसके बाद रिजल्ट गलत आ गया तो उसका आपको फिर से रन करना है, इसके लिए आपको क्लोन बनाना है, डीएनए लाइब्रेरी प्रिपेयर करना होता है। तो ये वेक्टर जो है प्लाज्मिड वेक्टर यूज करके, या फिर जनरली जीनोम अगर हो तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करते हैं हम, बड़ा वाला, या फिर कॉस्मिड यूज करते हैं प्लाज्मिड के जगह, क्योंकि प्लाज्मिड में जो आउटर कैरिंग साइट होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो बैक यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्लोनिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब भी हमें चाहिए होता है वो डीएनए को, हम क्लोनिंग जो लाइब्रेरी वहां से वो क्लोन को लेते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसको सीक्वेंस करते हैं, और सीक्वेंस के बाद हम क्या करते हैं, असेंबली। और यही सबसे डिफिकल्ट स्टेप है असेंबली, क्योंकि असेंबली तो आप देख कर नहीं कर सकते। आपको अगर हम सीक्वेंस दे, मानो के 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमने दे दिए और आपको फ्रैगमेंट का सीक्वेंस बता दिया, तो आप कर दोगे, और ये एग्जाम में भी आता है 10-15 न्यूक्लियोटाइड लेके आसानी से कोई भी कर सकता है। मगर जब सीक्वेंस होगा मिलियन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, मिलियन फ्रैगमेंट्स है, तब आप कैसे करोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, ह्यूमन ब्रेन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम्स हैं, उसको डिजाइन किया हुआ है ऐसे ताकि वो ये सारे फ्रैगमेंट का जो सीक्वेंस है उसको एक साथ देख के बता सके क्या हो रहा है। अभी ये जो शॉटगन मेथड, ये दोनों तरीके का है, एक हायरार्कियल और एक होल जेनोम। एक बात है तो टोटल जेनोम का सीक्वेंस करना है, और एक होता है हायरार्कियल मेथड। दोनों मेथड में ही हम टोटल जेनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए को सीक्वेंस कर सकते हैं। मगर डिफरेंस क्या है होल जीनोम में और हायरार्कियल में। होल जीनोम सीक्वेंसिंग ये है कि जो हमने देखे यहाँ पर, ये पहले जो एग्जांपल हमने देखी, ये होल जीनोम है, मतलब एक जीनोम जो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए उसको हम फ्रैगमेंट कर दें रैंडमली, उसके बाद क्लोन करें, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज करें, सीक्वेंस करें, फिर असेंबल करें, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतना फ्रैगमेंट तैयार होता है, सबको एक के बाद एक अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मगर हायरार्कियल एक मेथड है जो थोड़ा बहुत आसान कर देता है प्रोसेस को। सिमिलर प्रोसेस है, लिटिल डिफरेंस। हायरार्कियल में हम क्या करते हैं, हम पहले तो जो टोटल सीक्वेंस करने वाले डीएनए होता है ना उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में, जान पहचान के टुकड़े में हम तोड़ देते हैं, ठीक है। अभी उस जान पहचान के जो लेंथ में हमने तोड़े, हम जानते हैं कितने लेंथ में हमने तोड़े, उस लेंथ को लेकर फिर से हम फ्रैगमेंट करते हैं, उसको हम फिर से फ्रैगमेंट करते हैं। तो एक हायरार्की मेंटेन होता है, पहले एक लंबा फ्रैगमेंट,
उसके बाद उस फ्रैगमेंट को छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ और फ्रैगमेंट, अब उस छोटे जो सबसे छोटे फ्रैगमेंट से उसका सीक्वेंस बनाते हैं, उसको हम फिर से असेंबल करके बड़े सीक्वेंस रीच करते हैं। फिर ऐसे जब हम बड़े सीक्वेंस मिल जाए, सारे बड़े सीक्वेंस को एक के साथ एक सुपर इम्पोज करके हमको एकदम जीनोम का सीक्वेंस मिलता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, हायरार्कियल, इसीलिए इसको कहते हैं हायरार्कियल। एक हायरार्की मेंटेन करके करते हैं हम, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा। मगर होल जीनोम में एक जीनोम को फ्रैगमेंट कर दिया छोटे छोटे टुकड़े में, फिर हर एक टुकड़े को हम सीक्वेंस करेंगे और उस टुकड़े को फिर जब सीक्वेंस मिल जाएगा, उस सीक्वेंस को एक साथ हम डालते हैं। एक साथ देखने के बाद हमें पता चलता है, सुपर इम्पोज जो साइट है, ओवरलैपिंग रीजन, वो देख के बाद मुझे पता चलता है कि होल जीनोम क्या सीक्वेंस है। बहुत लेस टाइम होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग, मगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो डेटा रीड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है शॉटगन सीक्वेंसिंग की? देखो, हायरार्किकल सीक्वेंसिंग के एडवांटेज है कि बहुत ही ईजी है असेंबल करना, जो असेंबल प्रोसेस जो डिफिकल्टी है वो आसान हो जाता है। डिसएडवांटेज है, आपको लाइब्रेरी तैयार करना पड़ता है, आपको फिजिकल मैप देखना पड़ता है, मतलब कहाँ से आप पहले ब्रेक करोगे, लार्ज फ्रैगमेंट बनाओगे, वो जानना पड़ता है, ये एक डिसएडवांटेज। होल जीनोम शॉटगन जो है WGS, इसका एडवांटेज, कोई मैपिंग की ज़रूरत नहीं होता है, आप रैंडमली क्लिप करो DNA को, किसी भी जगह पर क्लिप क्लिप करो, कोई बात नहीं है। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू असेंबल, असेंबल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों तरीके का सिक्वेंसिंग का, हायरार्किकल का, होल जीनोम शॉटगन सीक्वेंसिंग का भी। मगर ये शॉटगन सीक्वेंसिंग दोनों और पे ही ये देख के काम करता है कि जितना भी लॉन्ग सीक्वेंस आप लाओ DNA का, वो उसको ब्रेक करके सीक्वेंस करके फिर से असेंबल करेगा। मगर एक्चुअल सीक्वेंस जिससे हमें मालूम पड़ रहा है, हर एक छोटे फ्रैगमेंट का सीक्वेंस जिसे हमें मालूम पड़ रहा है, वो तो यूज़ होता है इधर सैंगर सीक्वेंसिंग, आयन टॉरेंट सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग मेथड्स, ये यूज़ करके ही होता है, ठीक है ना। तो ये बात है शॉटगन और होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे, डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।